नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y1S वर्सेस Infinix Hot 10 Play का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y1S में 6.11 इंच जबकि 10 Play में 6.76 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y1S में 2.95 इंच जबकि 10 Play में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y1S में 0.32 इंच जबकि 10 Play में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo Y1S से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y1S में 161 ग्राम जबकि 10 Play में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo Y1S से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y1S में 6.22 इंचेस जबकि 10 Play में 6.82 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y1S में 720x1520 और 10 Play में 720x1640 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y1S में 82.6% जबकि 10 Play में 82.66% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y1S में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 10 Play में 263 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y1S में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और 10 Play की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo Y1S में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 10 Play की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y1S में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और 10 Play में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y1S में MediaTek Helio P35 और 10 Play में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y1S में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB 3GB की RAM मिलती है, जबकि 10 Play में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo Y1S में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 10 Play में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 Qt देखने को मिलती है। बैटरी Vivo Y1S में 4030 mAh जबकि 10 Play में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Vivo Y1S में 2 कलर्स जबकि 10 Play में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y1S में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹8,390, 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹9,490 में मिल जाता है। वही अगर बात करें 10 Play की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹8,299, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,499 में मिलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo Y1S में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Hot 10 Play की तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Nokia C30 है, तीसरा Micro Max N2 B है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto E40 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।